वही खाया बट राजस्थान बेकरी के आके खड़े हुए नहीं है भाई साहब ने अब ये खाएंगे अब तो देवा स्वागत है नए ब्लॉग में। तो गाइस मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी, फटाफट काम किया क्योंकि आज है हमारे पड़ोस में बान जो शादी है जिसमें हम गीतों में जा रहे हैं, डांस कर रहे हैं वहाँ पे। तो आज है बान, तो 11:15 बजे का टाइम था, तो 11:30 बज गए हैं, तो क्या पता बान हो गया या नहीं क्योंकि काम में थोड़ा लेट हो गई। तो गाइस मैंने ये पहना है सूट और कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताना। उसमें सिंपल सी होके जा रही हूँ क्योंकि वहाँ पे बस घूंघट निकालना है ऐसे करके और बैठना है, तो वहाँ पे देखते हैं इनका कैसा रीति रिवाज है। तो आप वीडियो में बने रहना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मेरे पीछे है सीसा, तो उसमें मैं भी दिख रही हूँ। और ये सीसा नहीं मतलब ड्रेसिंग, कभी कभी मैं हरियाणा की बोल देती हूँ गाइस, बुरा माना करो है ना। तो चलो चलते हैं और पीहू को लेके जाऊँगी क्योंकि गाइस सब चली गई मेरे, क्योंकि मैंने झाड़ू पोछे बहुत काम करते हो जाता है ना, फिर लेट हो जाते हैं। तो चलो फटाफट नीचे उतर के और पहुंचते हैं उनके घर। सामने है शादी जो चल रहा है काम, चलते हैं अंदर। पीयू आप तो बिगड़ नहाए आया हो, गाड़ियां ही गाड़ियां खड़ी कर दी। अरे अपनी तो रोड बन रहा है पीयू, दिखाऊं? चलो बढ़िया, हमारे घर के आगे रोड बनने लग गया है, रोड बनेगा पीयू, फिर खेलेगा पीयू, तो है पीयू रोड बनेगा। मैं ना बीच में ही आ गई थी क्योंकि 1:30 बज गया या एक बज गया शायद, 1:15 बज गया क्योंकि खाना बनाना था पापा का, इसलिए से जल्दी से आ गई वहाँ से। अभी तो उनके पता नहीं और कुछ भी चल रहा है, तो अभी मेरे को जल्दी से खाना बनाना है। गाइस मैंने अब कपड़े उपड़े चेंज करके खाना वाना बना के और अब थोड़ी देर आराम किया, फिर उसके बाद में मैंने सोच रही हूँ कि आराम तो क्या है, हाँ रोड बन रहा है तो उधर ही खड़ी थी आज हमारे गली में, क्योंकि कल मैंने ब्लॉग में बोला था गाइस कि हमारी गली में कीचड़ बहुत रहता है, तो भगवान ने सुनने की भैया तो बहुत परेशान हो रखी है इधर, तो फाइनली रोड बन ही रहा है हमारे। तो गाइस अभी मैं पापा की चाय बना कर मैं जा रही हूँ सुमन जीजा से मिलने, वो गांव गए थे उनके सास के 1.25 महीने की वो करने, अभी वो आए हैं तो चलो उनसे मिल भी आते हैं,
थोड़ा उनका भी मन सही हो जाएगा और हमारा भी मन सही हो जाएगा। काफी दिन हो गए हमें भी मिले हुए उनसे, हो ही गए शायद एक महीना से ऊपर ही, नहीं पहले साथ ही रहते थे गाइस, अब काफी दिन हो गए अलग अलग थोड़ा सा बिस्टे हुए। तो चलो मिल आते हैं, बट पहले मैं बनाऊंगी चाय पापा के लिए, चाय बना कर फिर मैं जाऊंगी उधर। वही गया मटन राजस्थान बेकरी के आके खड़े हुए, वो तो बिके नहीं मटन ले राजो, और तुम्हारे सब्जी वाले भी भर उनकी तो गई इसको नहीं भर गैर ना रहे हो कभी। तो अभी मैं जा रही हूँ देखो कैसे बल, हाँ पता सिखाने जाऊंगी क्योंकि आज आ जाओ तो मैं और सुमन जीजा जाएंगे पता सिखाने, आज काफी दिन हो गए खाए हुए भी, मन कर रहा था खाने का तो चलो मैंने कहा खाते हैं थोड़ा चटपटा भी। टिकिया बना रहा है बर्गर चटनी, तो गाइस हमने वहाँ पे खाई पतासी, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई। ये भैया के पहले गए थे उसके नहीं थी चले गए थे, अब हम दूसरी उसी पे ही आ गए तो अभी इन भैया से बनवाएंगे, इनकी बहुत टेस्टी होती है अभी इनके खाएंगे, उनकी तो बहुत बेकार एकदम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। आइए भाई साहब ने अब ये खाएंगे अब तो गाइस मैं अब आ गई घर और अभी मुझे बनाना है खाना उना सब, और फिर मेरे को लेके आना है पीयू को, पीयू गई हुई है अपनी मासी के तो पीयू को भी लेके आना है, तो चलो पहले पीयू को ले आते हैं फिर उसके बाद में देख लेंगे खाना होना। तो नहीं पतासी वाले उसके गए थे खाने के लिए, एक ने तो इतनी गंदी बना के दी बहुत भयंकर से, जो उसके जाती हो ना वो था नहीं जिस टाइम, वो कहीं पता नहीं इधर उधर गया हुआ था, तो मैंने कहा आज इसके है भी नहीं शायद रखी हुई नहीं है, बट उसके थी, पर वो उसके टेस्टी लगती है, वो अच्छी बनाता है जब थोड़ा जी सही हुआ, और वो तो दूसरा वाला तो बिल्कुल खराब बनाता है। तो चलो चलते हैं, हो सके तब आज गीतों में भी जाना है, गीतों में भी जाएंगे गाइस, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहना आप लोग ठीक है। ओके सा गाइस अभी हम जा रहे हैं पीयू को लेने, बट हम घर से निकले आए रास्ते में आ गए, तो अभी हम पियेंगे जूस, ये भैया बना रहे हैं जूस, ओरिजिनल जूस पीने आई हूँ मैं, कई दिन हो गए पीने पिए हुए भी, तो मैंने कहा चलो मैं तो जाया ही था ही पपड़ी खा के आई थी जब तुम्हारी पतासी लेके आई थी, तो अभी जूस पीयू को लेने के लिए जाना तो ये रास्ते में था, तो मैंने कहा जूस पीते हुए निकलते हैं जूस देवा सरप्राइज फेल हो गया। अच्छा पीयू को नहीं पता, हाँ चल पीयू को नहीं पता, अभी हम चुपचाप जा रहे हैं बगैर बताए सरप्राइज फेल हो गया भानु को टक्कू को बता दे, पीयू को हम बगैर बताए हैं चुपचाप पीयू को मिलते हैं। पीयू बोल रही थी हम नहीं आए, नहीं जाऊंगा मैं, अब हमें चुपचाप आई हूँ हम बगैर बताए आ गए तेरे को, तो इसलिए मना कर रहा था कि बच्चों के साथ खेल रहा है इधर है ना, आ गया भानु दीदी के पास, नहीं अपन घर चलेंगे आपको लेने आए हम, आपको खानी तो घर चलना पड़ेगा ठीक है ठीक क्या लेके जा रहा है तो इधर चॉकलेट का डब्बा है चॉकलेट इतना बड़ा है ठीक। ये खड़ी मेरी गाड़ी इसमें बैठते हैं वो आर हो गई, ये तू कहाँ जा के आया है, अरे इंगोली ले ला इंगोली दे दे तेरी मम्मी को दे देना एक इमरजेंसी के लिए दे दो मम्मी, अरे एक और ले जा एक बहुत रही भाई, सब पीयू को ले लिया है अब चलते हैं घर फिर हमें जाना है गीतों में। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं गीतों में, तो भाभी से आ गए अब चलते हैं उनके गीतों में, कैसे गीत गीत गा रहे हैं ये जो शादी चल रही है बेबू। तो गाइस हम उनके से आ गए क्योंकि आज उनकी बिनोरी थी, गीत नहीं था तो इसलिए हम वापस आ गए उनके वो डांस उंस था तो हमें डांस उंस देखना नहीं था करना नहीं था, तो इसलिए हम भागी आए उधर से नीचे से जिया गिर जाएगी। तो गाइस हमारी रोड भी बनने वाली है, अब रोड ही डाल दी आज क्या रोड तो बन गई, अभी वो डामर डलेगा डामर 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 जो मिट्टी घर पे नहीं आएगी फिर तुम्हारी ठीक है।